Hello everyone, welcome to Testbook Super Coaching and I'm here your paper one faculty Preeti. I hope you guys are fit and fine. So जैसे कि पता है आप लोगों को 2023 का एग्जाम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसके कंप्लीट ओवरऑल एनालिसिस बताऊंगी इन शॉर्ट वीडियो के थ्रू, सो दैट आप जून साइकिल के अंदर उन्हीं चीजों को, जो गलतियां आप लोगों ने इस टाइम पे किया है या किसी वजह से आपका खराब एग्जाम हुआ है वहां पर आप लोग ये दोबारा रिपीट ना करें. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि पेपर वन में अब की बार बहुत ही लेंथी रखा गया है, गेम चेंजर है, बहुत अजीब तरीके का है, मिक्स यहाँ पे फीडबैक रहा है. तो सबसे पहला पॉइंट रहता है कि आपका पेपर वन तो वेरी स्टार्टिंग से ही गेम चेंजर रहा है. जो स्टूडेंट्स पेपर वन को डाउन देके चलते हैं कि ये तो हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि पेपर वन ऐसा है जो आपका या तो मार्क्स ऊपर रखता है या फिर आपको गिरा भी सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए पेपर टू आपने 5-6 साल लगा के आए हैं अपनी पीजी के अंदर, तो वही 60-70% आप लोग अटेम्प्ट करके आते हैं. पेपर वन 10 यूनिट है, तो 10 तरीके के कॉन्सेप्ट वो पूछता है, जिसमें कोई 2 यूनिट में माहिर है, कोई 3 यूनिट के अंदर, अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग बच्चे का पकड़ है, तो आपको पेपर वन पे भी उतना ही फोकस करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पेपर वन में आपकी बार कौन सी यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया. पेपर यूनिट पेपर के अंदर अगर मैं आपकी बार के फोकस की बात करूं, LR, DI ऑलरेडी पूछा ही जाता था, उसके साथ साथ हायर एजुकेशन, ICT, ये 3-4 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. LR में बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर पूरे टॉपिक के ही बात करूं, नॉट ओनली LR, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. देखो पेपर मुश्किल नहीं था, ध्यान दीजिएगा पेपर आप लोगों को क्यों मुश्किल लगा. अब यही पेपर्स हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 के, जल्दी क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे आंसर की आने के बाद, तब आपको लगेगा मैम ये तो बहुत इजी है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप लोगों को उस टाइम पे एग्जामिनेशन वाला पैनिक नहीं होता है और आप एक टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो, उसको सॉल्व करते हैं. लेकिन वहां पर आप मेंटली ये चीज हो जाता है कि यस एग्जाम में है, गलती ना हो जाए, टाइमर भी आपका रखा हुआ है, तो बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं. तो एग्जामिनेशन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आपका ओवरऑल एग्जामिनेशन का लेवल था मॉडरेट, प्लस क्वेश्चन आपके लेंथी थे, क्वेश्चन लेंथी थे, डिस्क्रिप्टिव आपके जो क्वेश्चंस है वो रखे गए थे. ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाले, तो स्क्रीन रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और ये यूनिट्स को काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है. DI का अब की बार क्या नया फंडा डाला है, पहले प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो बेस गिने चुने टॉपिक्स आते थे, बट अब की बार ये लगा लीजिए मिसिंग टेबल के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. देखो 3-4 साल के बाद हर एजेंसी अपने पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा वो चेंज भी करती है. रीजन बीइंग पेपर वन है, मैं जस्ट पेपर वन के लिए बात करूंगी, पेपर वन है, 10 यूनिट्स हैं, इतना सारा क्राउड्स है, तो ऐसा तो नहीं है बार बार वो टीचिंग लेवल पूछेगा, बार बार मेमोरी के टाइप्स पूछ लेगा. कुछ तो वो कॉम्पिटिटिव करेगा ना पूरे क्राउड को छाटने के लिए, कुछ तो बेटर करेगा. तो ये चीज आप माइंड में प्रिपेयर करके रखिए, पेपर वन और ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेगा आगे अपकमिंग साइकिल्स के अंदर. तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आगे आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे. सो ये था एक तरीके से एनालिसिस कि जून के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है और हर यूनिट को अपना इक्वल इंपॉर्टेंस देना, पेपर वन को ये नहीं लेके जाना कि ये तो हो जाएगा, राइट? सो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, रिकॉर्ड प्लस लाइव दोनों तरीके के कोर्सेज हैं, तो आप टेस्ट बुक ऐप पे जाइए, UGC नेट कैटेगरी सेलेक्ट किए, वहां से मेरा और तुलिका मैम का कंप्लीट कोर्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई प्रीति एच कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट साइकिल के लिए मोटिवेशन में मदद करेगी और आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें. सो पेड प्लस फ्री दोनों को अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए. एंड मेरी क्लासेस के टाइमिंग है YouTube पे 3 बजे और मास्टर क्लास ऐप पे रहती है 7 बजे मंडे टू फ्राइडे. थैंक यू वंस अगेन, डू लाइक डू शेयर एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल पे पहली बार आए हैं देन ऑल्सो सब्सक्राइब द सेम.